हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी चिली गार्लिक फ्लेवर वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे। इस सैंडविच में हम कच्ची सब्जियों का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से इस सैंडविच को हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पेन में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 1 मिनट लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज कटा हुआ, 1 स्मॉल साइज की शिमला मिर्च कटी हुई, 1 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1 स्मॉल साइज की गाजर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी तीनों को हमने पतला और लंबा काटा है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो सब्जियों को हम लगातार चलाते रहेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच मेयोनीज। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो स्टफिंग बनकर तैयार है, तो इसे अब हम अलग रखेंगे और अब हम ब्रेड पर बटर अप्लाई करेंगे। तो आप ब्राउन ब्रेड की जगह वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ब्रेड पर स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग हमें अच्छे से लगाना है और ब्रेड के चारों ओर स्टफिंग को अच्छे से फैलाएंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे, इससे आप विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। अब हम दूसरी ब्रेड से इसे कवर करेंगे। ब्रेड स्लाइस पर हमने बटर लगा कर लिया है, बटर की साइड से इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। तवे को हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। सैंडविच को हम लो फ्लेम पर सेकेंगे, तो ऊपर से भी थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक सैंडविच को हम सेक लेंगे। तो सैंडविच बनकर तैयार है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और अब हम इसे कट करेंगे। तो सैंडविच को हमने सब्जियां फ्राई करके बनाया है, तो इस सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।